भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी आईसीएफआरई की ओर से देहरादून में वन गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से परितंत्र सेवाओं की समृद्धि विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन आज शाम केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और विकासशील देशों से ज्यादा पर्यावरण को विकसित देशों की वजह से नुकसान हो रहा है। उन्होंने वन गुणवत्ता और उत्पादकता में देश की ओर से बेहतर कार्य करने की बात भी कही। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद और उनके वैज्ञानिकों को, अनुसंधानकर्ताओं को इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। इस कार्यशाला में आप लोग जो सीखेंगे, परिषद ने जो रोडमैप बनाया है वह तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु प्रकृति संरक्षण के लिए आप सबके जो व्यक्तिगत अनुभव है उसे भी आप एक दूसरे को साझा करेंगे। वह हमारी भावी योजना के लिए, भावी पीढ़ी के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। कार्यशाला में हिस्सा ले रहे प्रतिनिधियों और अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनों के लिए कार्य करने वालों को अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। कि ये जो इको सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हम लोगों का जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा संपोषित था, जिसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों में और इनके जो है 5 रेंजेस थी, 5 रेंजेस दोनों जगह शुरू किया गया था। और इस प्रोजेक्ट में जो हम लोगों की सस्टेनेबल लैंड इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो एक टेक्नोलॉजीज थी उनका बेसिकली अपस्केलिंग है, उनको जरा सा लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें जैसे कि आपका बीपी हो गया, आपका लाख का कल्टिवेशन हो गया, स्पेसिफाइड मॉइस्चर कंजर्वेशन, इस तरह की और भी टेक्नोलॉजी लगभग 10 जो है उनको दिखाया गया। और इसके पीछे जो आइडिया ये है कि लोग जो है अपना खेती के साथ साथ अगर ये इस तरह के दूसरे काम भी करते हैं तो उनकी जो जंगलों पर जो निर्भरता है वो कम होती जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगी, जंगल भी बचेंगे। मेन आइडिया इसमें यह है कि आप उनको इस ढंग से जो है कि कोई दूसरे व्यवसाय में उनको ट्रेनिंग दीजिए या उनको ऐसा मौका दीजिए जिससे कि जंगल भी सुरक्षित रहे। ये वर्कशॉप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे मुल्क, हमारे जो हिंदू कुश हिमालय रीजन है बहुत फ्रेजाइल है और ये वर्कशॉप में हमको क्या जानेगा कि हाउ कंट्रीज कैन डू फॉरेस्ट रेस्टोरेशन। सब कंट्री को फॉरेस्ट रिस्टोर करना चाहिए, हमारा पर्यावरण, हमारा बायोडाइवर्सिटी सबको कैसे जीवित रखना है, ये सब शायद ये वर्कशॉप के 2 दिन में हमको एक्सपर्ट से नॉलेज शेयरिंग कर हमको इसमें थोड़ा ज्ञान मिलेगा ये आईसीएफआरई के वर्कशॉप से।